दोस्तों, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पिछले कुछ वीडियोस में ऐसे कई कलाकारों से रूबरू करवाया है जो लॉस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से कई कलाकार टैलेंटेड होने के बावजूद एक सफल करियर बनाने में नाकाम रहे, पर आज हम जिस कलाकार की जीवनी लेकर आए हैं उनकी कहानी थोड़ी अलग है। भले ही ये कलाकार हीरो या मुख्य अभिनेता के तौर पर स्थापित नहीं था, पर कैरेक्टर रोल्स और कॉमन मैन से जुड़े किरदारों को जीवंत करके इन्होंने दर्शकों का दिल जीता था। आज जिनकी चर्चा की जाएगी, उनके जीवन से जुड़ी सबसे दुखद बात ये रही कि कम उम्र में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने इंडस्ट्री के साथ साथ उनके प्रशंसकों को भी झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बॉलीवुड अभिनेता शफी इनामदार पर आधारित है। शफी जी को आपने 80 और 90 के दशक की कई नामचीन फिल्मों का हिस्सा बनते देखा होगा। भले ही हम में से कुछ शफी जी को उनके नाम से नहीं जानते होंगे, पर आप पर्दे पर देखी उनकी एक्टिंग और व्यक्तित्व को बखूबी पहचान रहे होंगे। दोस्तों, जब शफी ने दुनिया को अलविदा कहा था, तब वो अपने करियर के शीर्ष पर थे। वर्ल्ड कप के एक क्रिकेट मैच के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शफी ने हिंदी सिनेमा में कई दिलचस्प रोल निभाए थे। तो आइए दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए बॉलीवुड अभिनेता शफी इनामदार के जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं के बारे में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एक क्रिकेट मैच के दौरान कैसे शफी को गंवानी पड़ी थी अपनी जान। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपा कर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो ब्रह्मदत्त। दोस्तों, शफी इनामदार का पूरा नाम शफी अली इनामदार था। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1945 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई रत्नागिरी में हुई थी। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल मुंबई से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उनके कॉलेज की पढ़ाई केसी कॉलेज में कंप्लीट हुई। बता दें कि अपने स्कूली दिनों से ही शफी एक मुखर और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। स्कूल कॉलेज में वो अक्सर डिबेट्स, ड्रामा आदि में हिस्सा लिया करते थे। कॉलेज के खत्म होने के बाद शफी जी के अंदर एक कलाकार बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रवीण जोशी के प्रशिक्षण में की। बता दें कि प्रवीण जोशी गुजराती थिएटर से जुड़े हुए थे। साल 1973 से 1978 के बीच शफी ने हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी से जुड़े कई नाटकों में खूब काम किया। बाद में उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर को ज्वाइन करने के बाद उनकी मुलाकात बलराज सहनी जैसे दिग्गजों से हुई। इसका फायदा यह हुआ कि इन प्रतिभाशाली कलाकारों के सानिध्य में शफी को अपने हुनर को निखारने का और मौका मिला। दोस्तों, बात अगर शफी इनामदार के करियर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की करें तो वो था नाटक नीला कमरा। इस नाटक से उन्होंने कमर्शियल हिंदी मनोरंजन जगत में कदम रखा था। इसके बाद शफी को 70 के दशक के अंतिम चरण में पृथ्वी थिएटर से जुड़ने का मौका मिला। दोस्तों, पृथ्वी थिएटर से जुड़ने के बाद शफी जी ने एक से बढ़कर एक हिंदी नाटकों में काम किया। अपनी कड़ी मेहनत और जानदार एक्टिंग की बदौलत शफी एक जाने पहचाने थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित हो चुके थे। साल 1982 में उन्होंने अपने खुद के थिएटर ग्रुप की नींव रखी, जिसका नाम था हम प्रोडक्शंस। इसके बाद उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन और निर्माण भी किया। फिल्मों में कदम रखने से पहले ही शफी एक नामचीन और होनहार कलाकार के तौर पर खुद को सिद्ध कर चुके थे। बात अगर इनकी फिल्मी पारी की करें तो इनके करियर की शुरुआत साल 1982 में आई फिल्म विजेता से हुई थी। इस फिल्म को शशि कपूर ने प्रोड्यूस किया था और इसका निर्देशन गोविंद निहलानी द्वारा किया गया था। दोस्तों, भले ही शफी का रोल इस फिल्म में छोटा था, पर वो अपनी ओर ध्यान खींचने में सफल रहे। फिल्म विजेता के बाद शफी को पहचान फिल्म अर्ध सत्य से मिली। फिल्म अर्ध सत्य शफी की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। साल 1983 में आई फिल्म को गोविंद निहलानी ने निर्देशित किया था। फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल आदि धाकड़ कलाकारों के साथ शफी ने काम किया था। इस पिक्चर की रिलीज के बाद उनको कई ऑफर्स मिले और उनकी पहचान एक मंझे हुए कलाकार के तौर पर होने लगी।
आमतौर पर उनका किरदार कॉमन मैन का ही होता था। आइए अब एक नजर उनकी फिल्मों की ओर दौड़ाते हैं। विजेता, प्यारा तराना, अर्ध सत्य, आश्रय, इनकलाब, पार्टी, हिप हिप हुर्रे, कमला, आज की आवाज, अर्जुन, महागुरु, सागर, जान की बाजी, लव 86, पहुंचे हुए लोग, काला डंडा गोरे लोग, अमृत, क्रांतिवीर, इक्के पे इक्का, मेरी मोहब्बत मेरा नसीब, फैसला मैं करूंगी, अकेले हम अकेले तुम, हाहाकार, अन्याय ही अन्याय, यशवंत, बरसात की रात जैसी फिल्मों में दिखने वाले शफी ने फिल्मों में करीब 15 साल की एक सफल पारी खेली। दोस्तों बात उनकी आखिरी फिल्म की करें तो वो थी यशवंत। बरसात की रात जैसी फिल्में शफी की मौत के बाद रिलीज हुई थी। बता दें कि फिल्मों के अलावा वो टेलीविजन पर भी काफी सक्रिय रहे। उन्होंने ये जो है जिंदगी, बहादुर शाह जफर, आधा सच आधा झूठ, मिर्जा गालिब, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऑल द बेस्ट जैसे टेलीविजन शोज में भी काम किया था। बात अगर इनकी आखिरी टेलीविजन प्रेजेंस की करें तो वो थी तेरी भी चुप मेरी भी चुप, जिसमें उन्होंने रमाकांत का किरदार अदा किया था। शफी से जुड़े रिकॉग्निशन और पुरस्कारों की चर्चा करें तो साल 1986 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। शफी एक कुशल अभिनेता होने के साथ साथ एक काबिल फिल्म निर्देशक भी थे। साल 1995 में आई फिल्म हम दोनों का निर्देशन भी किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर और नाना पाटेकर जैसे कुशल कलाकार थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अच्छी सफलता मिली थी, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि शफी में निर्देशन की भी अच्छी क्षमता थी। तो दर्शकों, अब तक हमने शफी जी के करियर से जुड़ी जानकारियों को करीब से देखा। अब हम आपको उस दुखद घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जिसने एक ही झटके में इस होनहार कलाकार को हमसे छीन लिया। दोस्तों, शफी की मौत 13 मार्च 1996 को हुई थी। ये वो दिन था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। इस दिन भारत और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल मुकाबला था। बता दें कि इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये दिन बेहद निराशाजनक था। कहा जाता है कि इस मैच को देखने के दौरान ही शफी को हार्ट अटैक आ गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण हार्ट अटैक के चलते ही शफी को महज 50 साल की अवस्था में ही अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो कुछ इस तरह असमय और अप्रत्याशित रूप से अभिनेता शफी इनामदार दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों आइए अब एक नजर शफी इनामदार के पारिवारिक जीवन पर दौड़ाते हैं। शफी के प्रारंभिक जीवन और माता पिता से संबंधित जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको उनकी तस्वीर या डिटेल्स नहीं बता पाएंगे। उनके बाकी परिजन भी लाइमलाइट से दूर हैं, इसलिए उनसे जुड़ी जानकारियां भी बता पाने में हम असमर्थ हैं। बात शफी जी की शादीशुदा जिंदगी की करें तो इन्होंने शादी भक्ति बर्वे से की थी। भक्ति भी शफी की तरह ही एक थिएटर आर्टिस्ट और एक्ट्रेस थी। उन्हें आपने कुंदन शाह की कॉमेडी जाने भी दो यारों में देखा होगा। भक्ति ने हिंदी और मराठी मनोरंजन जगत में खूब काम किया था। बता दें कि शफी की मौत के करीब 5 साल बाद भक्ति जी की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दर्शकों, शफी और भक्ति के बच्चों से जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनका जिक्र करना भी मुश्किल होगा। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने बॉलीवुड अभिनेता शफी इनामदार के जीवन को करीब से देखा। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कला और अभिनय कौशल उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रखेंगे। दर्शकों, हमें आशा है कि उनके बारे में बताई गई जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, और साथ ही ये भी बताएं कि आने वाले वीडियोस में आप किस सेलिब्रिटी को देखना पसंद करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।